हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे गणेश चतुर्थी स्पेशल आटा के बहुत ही स्वादिष्ट मोदक, जिसे आप एक बार बनाएंगे और इसे 10 से 12 दिन के लिए स्टोर करके भी रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। तो इस गणपति आप इसे पहले से बना करके भी रख सकते हैं। और अब हम चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने एक बर्तन में 1 कप गेहूं का आटा लेंगे, ये वही गेहूं का आटा जिससे हम नॉर्मली रोटी या चपाती बनाते हैं। और अब हम इसे खस्ता या क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें 2 चम्मच बारीक वाला सूजी ऐड करेंगे, ये वही सूजी है जिससे हम उपमा या हलवा बनाते हैं। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। और अब हम इसे खस्ता बनाने के लिए इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे, यहाँ मैंने जमे हुए घी का यूज़ किया है। और अगर आप मेल्टेड घी का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें 4 चम्मच घी ऐड करें। घी डालकर चम्मच से ही हम इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम साफ हाथ से अच्छे से आटे को दबाते हुए घी में मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मसलते हुए घी में मिक्स कर लिया है और इसका इजीली लड्डू बन रहा है हमें। और आप देख सकते हैं आटा हमारा बिल्कुल बिस्किट की चूरा की तरह दिख रहा है। और अब हम इसमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर का थोड़ा थोड़ा पानी छीट करके इसका सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर ले। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका बहुत ही अच्छा सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लिया है। ये डो ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल परफेक्ट है। और अब मैं आपको डो को दबा के दिखा रही हूँ, ये देखिए डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट लगा है। और अब हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे, जिससे रवा हमारा आटे में अच्छे से फूल जाएगा और डो हमारा बहुत ही बढ़िया सेट हो जाएगा। और अब हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने एक फ्रेश नारियल को इस तरीके से लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें थोड़े थोड़े करके हम सारे नारियल ऐड करेंगे। और अब हम इसका ढक्कन लगा करके इसको बिल्कुल बारीक या महीन पीस लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से पीस लिया है। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे, घी की जगह आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए हमारे नारियल ऐड करेंगे, नारियल डाल करके गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे जिससे नारियल जले नहीं। और अब हम इसमें 1/4 कप गुड़ डालेंगे, आप कोई भी गुड़ यूज़ कर सकते हैं और गुड़ की जगह आप चीनी या मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम नारियल में गुड़ को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और जिससे नारियल गुड़ के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इसे पकाते हुए 20 से 25 सेकेंड हो गए हैं और नारियल हमारा गुड़ के साथ अच्छे से भुन गया है। और अब हम इसमें 1 से 2 कुटी हुई इलायची ऐड करेंगे, इलायची से मोदक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। तिल डालना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसे हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे, जिससे तिल भी हमारे सारे इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे से सिक जाएगा। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम नारियल के स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रखेंगे, जिससे हमारा स्टफिंग जल्दी ठंडा हो जाएगा। और 10 मिनट हो गया है, डो को चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं डो भी हमारा अच्छी तरीके से सेट हो गया है। और अब हम इसे हाथ से एक बार फिर से अच्छे से मसलते हुए गूंद लेंगे, जिससे डो हमारा और ज़्यादा चिकना और सॉफ्ट हो जाएगा। और अब हम इसके छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे, आप जिस साइज का मोदक बना रहे हैं उस साइज का आप छोटे छोटे लोई तोड़ सकते हैं। और ये देखिए यहाँ मैंने सारे लोई को तोड़ लिया है। और अब हम एक इस तरीके का रोटी बनाने वाला चकला लेंगे और इस पे एक डो रखेंगे और इसे पेड़ा का शेप देंगे। और अब हम इसे बेलन से हल्के हाथों से दबाते हुए बेल लेंगे। डो को बेलने के लिए हमें सूखा आटा या तेल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी अच्छे मात्रा में घी डालकर इसे अच्छा से गूंद लिया था। और आप देख सकते हैं डो हमारा बहुत ही बढ़िया और पतला, यहाँ मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। और अब हम इसे हाथ पे लेंगे और स्टफिंग भी हमारा ठंडा हो गया है, हम
एक चम्मच स्टफिंग लेंगे और इसे बीच में डालेंगे और साइड के किनारे को हम इस तरीके से दबाते हुए इसे मोदक का शेप देने का कोशिश करेंगे। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो परफेक्ट नहीं बनेगी, लेकिन आप 3 से 4 बार बनाएंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और मोदक आपके बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे मोदक के किनारे को इकट्ठा कर लिया है और अब हम इसे इस तरीके से बीच में से दबा करके प्रेस कर लेंगे। और ये देखिए हमारे आटे का मोदक झटपट बनके तैयार हो गया है और अब हम इसे प्लेट में रखेंगे। और सेम तरीके से मैं आपको एक और मोदक बनाने सिखा रही हूँ। हम स्टफिंग डालेंगे और इसके किनारे को इस तरीके से दबा लेंगे। दबा करके हम सारे किनारे को इकट्ठा कर लेंगे और अब हम इसे बीच में से दबाते हुए इसे मोदक का शेप देंगे और ये बहुत ही इजीली बनके तैयार हो जाता है। हमें इसमें पानी या दूध कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सेम तरीके से सारे मोदक बना के तैयार कर लिए हैं और सारे मोदक हमारे बिल्कुल परफेक्ट दिख रहे हैं। और अब हम कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया, हम इसमें फ्राई करने के लिए तेल डालेंगे। आप तेल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो गया है, हम इसमें एक एक करके मोदक डालेंगे। तेल हमारा बहुत ही हल्का गर्म हुआ है, हल्के गर्म ऑयल में आप इस तरीके से मोदक डालेंगे तो मोदक आपके अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से पकेंगे। और अगर आप इसे 10 से 15 दिन भी स्टोर करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और आप देख सकते हैं तेल में बबल्स आना स्टार्ट हो गया है। और अब हम इसे पलटते हुए सभी तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। हमें इसे गोल्डन या सुनहरा कलर होने तक हम इसे अच्छे से पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मोदक हमारे बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर के फ्राई हो गए हैं। यहाँ मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है और आप देख सकते हैं सारे मोदक अच्छे तरीके से फ्राई हो गए। हमें इसे इतना ही फ्राई करना है और अब हम एक एक करके सारे मोदक को ऑयल में से निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं बिना झंझट कम मेहनत में घर के इंग्रेडिएंट से हमने बहुत ही बढ़िया आटे का मोदक बना के तैयार कर लिया है। आप इस तरीके से पूजा के पहले भी मोदक बना के तैयार करके रख सकते हैं। और अब हम बाकी बचे हुए मोदक को भी तेल में डाल करके इसे भी फ्राई कर लेंगे। इस गणेश चतुर्थी इस तरीके से हेल्दी और टेस्टी आप घर पे ही मोदक बनाएं। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मोदक को प्लेट में सर्व कर लिया है और अब मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी और करारा बनके तैयार हुआ है और अब हम इसे तोड़ के दिखाते हैं। और ये देखिए मोदक हमारा अभी काफ़ी गर्म है और आप देख सकते हैं मोदक हमारे काफ़ी खस्ता और क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। इस गणपति आप इस तरीके से घर पे ही बहुत ही स्वादिष्ट मोदक बनाएं और अपने हाथों से बना के भगवान को या गणपति बापा को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।